हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्राइडे पिक्चर। दिस इज शोभिक। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बंगाली मूवी कागा बाबू, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस फिल्म के मेन लीड में है प्रोसेनजीत चैटर्जी, आर्यन एंड अनिर्बान, एंड इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्रीजीत मुखर्जी। इस फिल्म के रिव्यू मैं एज अ व्यूअर देना चाहूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फिल्म मुझे ये थी उबिजान से काफी बेहतर लगा। इस फिल्म में नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। दोस्तों इस फिल्म में मसाई मारा फॉरेस्ट एंड एनिमल्स को काफी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। लिटरली कुछ सीन्स जैसे कि हाथी और गेंडा का जो सीन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया है। एंड ट्रस्ट मी, इस फिल्म में जितने भी एनिमल्स दिखाया गया है वो सभी रियल है। और मैं इस फिल्म की मेकिंग वीडियो देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फिल्म की शूटिंग इटसेल्फ एक फिल्म होने वाली है। और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो अनिर्बान अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। इंटरवल के बाद जो ट्विस्ट डाला गया है वो काफी एक्साइटिंग है। एंड फ्रॉम माय साइड, इस फिल्म की जो VFX है उसके बारे में भी उतना कंप्लेन नहीं है। एंड स्पेशली क्लाइमैक्स में वाटर बफेलो का जो सीन्स दिखाया गया है उसमें जो VFX यूज है वो भी काफी स्मार्टली हैंडल किया गया है। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मुझे काफी पसंद है और इस गाने को फिल्म में काफी बार यूज भी किया गया है। लेकिन काका बाबू जब प्लेन से उतरते हैं और उसके साथ जिस तरीके से इस गाने को सिंक्रोनाइज किया गया है वो लिटरली एक गूज़बम्स मोमेंट है। अगर इस फिल्म के नेगेटिव के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ जहां पे काका बाबू, सोनतू एंड अमल बाबू टेंट के बाहर बैठ के बात करते हैं और काफी टाइम तक एनिमल्स को दिखाया जाता है, पर्टिकुलरली वो सीन्स मुझे लगता है कि एडिट करके और भी छोटा किया जा सकता था। एंड नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इस फिल्म के सेकेंड हाफ में, जहां बैक टू बैक इंसिडेंट दिखाया जाता है वहीं पे दो इंसिडेंट के बीच जो स्पेस है वो काफी कम लगा। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म फैमिली ऑडियंस एंड किड्स काफी एंजॉय करेंगे। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा ये फिल्म अपने फैमिली और बच्चे के साथ हॉल में जाके जरूर देखिए। एज अ व्यूअर इस फिल्म को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 3.5 out of 5। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।